हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सहजने को आप कटिंग से भी लगा सकते हो, बीज से भी लगा सकते हो, और एक बार लगाने के बाद 6 महीने में ये आपको फल देना शुरू कर देता है। फूलों की भी सब्जी बनती है, फलियों की भी सब्जी बनती है, तो आज हम इसकी फलियों की सब्जी बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने फली ले ली है, फलियों को काट लिया है, आप अपने हिसाब से इनको काट लें। इसके बाद इन्हें हम अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद हम इन्हें उबालेंगे। तो बर्तन हम उबालने के लिए खुला बर्तन लेंगे, कुकर वगैरह में इसे नहीं उबालना है। इनको अच्छे से धो लिया है, अब इन्हें हम उबालने के लिए रखेंगे। तो ये फली हमारी अच्छे से उबल चुकी है, अभी हम इन्हें स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। और यहाँ हमने 2 टमाटर लिए हैं, 1 टुकड़ा अदरक का लिया है, 2 प्याज लिए हैं, और लहसुन और मिर्ची, 1 मिर्ची मैंने यहाँ ली है। इनको स्ट्रेनर में हमने निकाल लिया, थोड़ा ठंडा हो तब तक हम इसमें कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख रहे हैं। तो कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है, सरसों का तेल यहाँ लिया है 1 चम्मच बड़ा वाला। जब तेल हमारा अच्छे से पक जाएगा उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। तो तेल अच्छा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें जीरा डाल रहे हैं। उसके बाद लहसुन को मैंने अच्छे से कूट लिया है, उसको हम इसमें डालेंगे। तो ये लहसुन हम इसमें डाल दिया है, लगभग 1 चम्मच हमारा लहसुन हो गया ये कूटा हुआ। जब ये अच्छे से पक जाएगा उसके बाद हम प्याज, यहाँ ये प्याज, अदरक और मिर्ची को काट लिया है, इनको भी इसी में डाल देंगे और डाल के अच्छे से पकाएंगे। तो हल्का ब्राउन होने तक हम इन्हें अच्छे से पका लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने कम ही करके रखा हुआ है और कम फ्लेम पे ही हम इन्हें पका रहे हैं। तो ये अच्छे से पक चुके हैं, अब इसमें हम डाल रहे हैं उबली हुई जो फली हमने रखी थी वो इसमें डाल दी है। और इन सबको अच्छे से तेल में अच्छे से मिला देंगे। उनको अच्छे से मिलाने के बाद हम हमारे मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो फलियों को लगभग 2 मिनट तक मैंने अच्छे से तेल में पकाया है, उसके बाद हम इसमें मिर्ची डाल रहे हैं। तो ये मिर्ची ज्यादा तीखी नहीं है तो मैं थोड़ी ज्यादा डाल रही हूँ, आप अपनी जो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डालें। 1/2 चम्मच ये हल्दी हम डाल रहे हैं इसमें, और यहाँ 1 चम्मच नमक है, और धनिया पाउडर हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। तो यहाँ लगभग 2 चम्मच यहाँ धनिया की हमने डाल दिए हैं और उसको अच्छे से मिलाएंगे। तो सारे मसालों को अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद जो हमने टमाटर लिए थे 2, उनका मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। ये सारे मसाले हमने अच्छे से मिला दिए, ऊपर से टमाटर भी हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इनको हम अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे। तो फलियों को हमने बहुत ज्यादा नहीं पकाया था, अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो लगभग 1 गिलास पानी हम इसमें डाल देंगे। तो 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया। डालने के बाद गैस का फ्लेम हम फुल कर देंगे, उसके बाद हम इन्हें पकने देंगे। तो पूरा ग्लास पानी मैंने डाल दिया है यहाँ पे, अब इसे थोड़ी देर ढक के फिर से पकाएंगे। और जब तक इसका पूरा पानी खत्म ना हो जाए तब तक हम इसे पकाना है। तो गैस का फ्लेम हमने फुल कर रखा है और उसके बाद हम इसे पकाएंगे। तो लगभग पकते 2-3 मिनट हो गए और पूरा पानी इसमें से खत्म हो गया है। लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला मिलाएंगे। ये देखिए पानी बिल्कुल नहीं है इसमें। तो अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे और गरम मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे और ढक के इसको 1-2 मिनट और पका लेंगे। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो बहुत ही आसान है सहजने की फली की सब्जी बनाना। तो आप इस तरह से सहजने की फली की सब्जी बना सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।